हाय देयर दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम अहमद कश्यप और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इस क्विक वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप स्ट्रीम यार्ड्स का पेड वर्जन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रीम यार्ड्स का पेड वर्जन लेने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और स्ट्रीम यार्ड में जाकर एक नया अकाउंट ओपन कर लेना है। दोस्तों, स्ट्रीम यार्ड का अकाउंट कैसे ओपन करना है उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मूविंग अहेड, आपको जो अकाउंट बना लेने के बाद स्ट्रीम यार्ड्स में लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे चेक कर रहा हूँ, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ स्ट्रीम यार्ड्स। सो ये रहा स्ट्रीम यार्ड्स का पेज। स्ट्रीम यार्ड्स के पेज के अंदर आपने जब रजिस्टर्ड कर लिया आपने आपको, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पेड वर्जन परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं लिखा रहा है माई अकाउंट, तो ये माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चीज़ लिखी आ रही है बिलिंग्स, आपको बिलिंग्स पे क्लिक करना है। तो बिलिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन आ रहा है कि अपग्रेड प्लान, यू आर ऑन अ फ्री प्लान, आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपग्रेड प्लान पे क्लिक करेंगे। अपग्रेड प्लान पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखिएगा यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फ्री का वाला जो है ये नीचे देख रहे हैं आप, फ्री वाला ऑप्शन था, इसके साथ बेसिक है और उसके साइड पर प्रोफेशनल है। तो ये जो बेसिक वाला जो आप देख रहे हैं, इस वाला जो $20 पर मंथ वाला जो चीज़ आ रहा है, ये अगर एनुअल के हिसाब से आप चार्ज करते हैं तब होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर, एक यहाँ पे एक पॉइंट आप देख रहे हैं मंथली और ईयरली, तो इस डोंगल को ना मंथली पे कर लीजिएगा, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, ना ही कोई गड़बड़ हो। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा रही है, यू हैव 10% क्रेडिट। तो ये जो $10 जो है आपको फर्स्ट बारी में चार्ज पे मिलेंगे, ओके, क्योंकि आपने मेरे वाले लिंक से क्लिक करके यहाँ पे आए हैं, तो आपको $10 का उसमें रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, चूज़ बेसिक पे क्लिक करते हैं। तो चूज़ बेसिक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा, यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है और जो एक्सपायरी डेट है आपके कार्ड की, और CVC नंबर डालना है। एक बात मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि ये वाली जो कार्ड डिटेल्स आप डालेंगे, आप बड़े ध्यान से डालिएगा, क्योंकि डालने के बाद वो वाली कार्ड की डिटेल यहाँ पर सेव हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बार अगर आपने यहाँ से रिचार्ज करा लिया तो कार्ड की डिटेल यहाँ पर सेव्ड रहेगी, और अगर आपने उसको नहीं हटाई तो अगले महीने ऑटोमेटिकली उसमें से डेबिट हो जाएगी पेमेंट, क्योंकि ये वाले जो स्ट्रीमयार्ड यूज़ करता है इसमें OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्लीज़ मेक श्योर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपने एक बार रिचार्ज करा लिया, रिचार्ज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली फिर दोबारा रिचार्ज कर देगा, आपका अकाउंट डेबिट कर देगा। तो बेटर इसकी एक बार रिचार्ज करा के यहाँ से कार्ड नंबर आप हटा लें। कार्ड नंबर कैसे हटाना है उसके लिए मैंने भी वीडियो बनाई थी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिएगा ये वाली वीडियो देखने के बाद। तो इस तरह से जो है आप स्ट्रीमयार्ड्स का जो पेज है, अपना स्ट्रीमयार्ड का जो अकाउंट है वो रिचार्ज करा सकते हैं और पेड वर्जन उसका यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन अमेजिंग एप्लीकेशन, अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया तो यूज़ कीजिए, बहुत ही बढ़िया है फॉर डूइंग लाइव स्ट्रीम्स। तो आई होप ये वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।